इनसे मुक्ति पाना है तो इसलिए सब एकजुट होकर के लड़िए। तो इसके लिए पटना में भी मीटिंग हुई, अन्य जगहों पर भी मीटिंग हुई और उसके बाद ये तय हो गया कि भाई एक INDIA, इंडियन नेशनल डेवलपमेंटल इंक्लूसिव अलायंस का गठन किया गया, इसका नामकरण किया गया है। अब ये तो हो ही गया, अब तेजी से हो, लेकिन अभी तो काम ज्यादा नहीं हो रहा। अभी 5 जगह विधानसभा का चुनाव है तो ये कांग्रेस पार्टी तो उसी में ज्यादा इंटरेस्टेड है। तो अभी तो जिसको हम लोग कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाने के लिए हम लोग सब एकजुट होकर काम कर रहे थे, लेकिन अभी उनको कोई ये सब चीज की चिंता है नहीं। अभी तो लगे हुए हैं 5 राज्य के चुनाव में, इसलिए 5 राज्य का चुनौवा होगा उसके बाद अपने सबको बुलावेंगे। आजकल कभी कोई चर्चा नहीं हो रही, तो चलिए अब जो कुछ भी होता रहे, हम तो देश को एकजुट करने के लिए और देश के इतिहास को ये लोग बदलना चाहते हैं, उसको ठीक करने के लिए और इनसे जो आज हैं शासन में उनसे मुक्ति के लिए कर रहे हैं, तो आगे भी हम लोग करेंगे। अभी 5 जगह का विधानसभा का चुनाव हो रहा, उसके बाद ही फिर बैठ करके जो कुछ भी होगा। लेकिन आप लोगों ने, आप समझ लीजिए कि आज बैठक बुलाए हैं, आप भाजपा वाला तो कर ही न रहे हैं, हाँ हिंदू मुस्लिम में भी झंझट करने की कोशिश कर रहा है। एक बात अच्छी तरह जान लीजिए, हिंदू मुस्लिम में कोई झंझट नहीं है, लेकिन ये लोग कुछ न कुछ लगाए रहता है कुछ लोगों को उल्टा पुल्टा, और हर कम्युनिटी में लगा करके उल्टा पुल्टा। आजकल जहां भी घटना होती है, पहले तो बहुत घटना होती थी, और कितना हम 2007 से कंट्रोल किए बिहार में, तो आजकल भी कोशिश करता है इधर उधर करने का। तो जरा जान लीजिए ये सब कोई बात नहीं, और मुस्लिम लोग और हिंदू लोग कहीं झंझट नहीं हो रहा था, लेकिन आजकल कुछ न कुछ वही लोग करते रहता है। तो इसीलिए ये तो हम सब लोगों को अनुरोध करते हैं कि भाई कोई झंझट नहीं, अरे हिंदू हो मुस्लिम हो, कोई धर्म को मानने वाला हो।